बैक टू माई चैनल गाइज, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट निशा अरोड़ा। गाइज, आज के टाइम में फास्ट फूड खाना हर एक इंसान को बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि फास्ट फूड हेल्दी फूड के मुकाबले ज्यादा टेस्टी होता है, इसलिए बहुत जल्दी पकाया भी जा सकता है और इसीलिए बहुत सारे लोग फास्ट फूड की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। बट गाइज, अगर हेल्दी फूड को भी फास्ट फूड की तरह डिलीशियस बना लिया जाए तो आई एम श्योर आप में से हर एक इंसान हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना पसंद करेगा और बहुत ही जल्दी अपनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेगा। सो गाइज, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग डिनर रेसिपी लेकर आई हूँ। एक ऐसी अमेजिंग इजी क्विक 5 मिनट में बनने वाली डिनर रेसिपी जिसे खाकर आप अपना अमेजिंग वेट लॉस कर सकते हैं। गाइज, इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको खर्च करने होंगे आपके सिर्फ 5 मिनट। बट बिलीव मी गाइज, इसको खाने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप भूखे हैं। आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगने वाली और ये आपकी सारी क्रेविंग्स को स्टॉप करने वाली है। आपने अक्सर मेरे डाइट प्लान्स में मुझे ये कहते हुए सुना होगा कि डिनर में आप ऐसे ऑप्शंस चूज करो जिसे खाने के बाद आपको बार बार अनहेल्दी खाने की क्रेविंग ना हो या आपको बार बार भूख ना लगे। ऐसा करने से आप बहुत ही इजीली वेट लॉस कर पाते हैं। सो गाइज, इस ओट्स की यूनिक रेसिपी को कैसे बनाना है इसे सीखने के लिए आपको फटाफट से चलना होगा मेरी किचन में। सो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमारा जो पहला इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है ब्लैक कॉफी। यहाँ पर मैं नेस्कैफे के 2 पाउच इस्तेमाल कर रही हूँ ब्लैक कॉफी के। आप कैसे भी करके कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको 2 स्पून ब्लैक कॉफी इस्तेमाल करनी है। ये रेसिपी हम 2 लोगों के लिए बनाएंगे। आप अगर जितने भी लोगों के लिए बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो इसकी क्वांटिटी है वो कम या ज्यादा करनी है। जैसे कि मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूं तो मैं 2 पाउच इस्तेमाल कर रही हूं। आप 3 के लिए बनाएंगे तो आप 3 पाउच करेंगे, या फिर 1 के लिए बनाएंगे तो आप 1 पाउच का ही इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज इसमें गड़बड़ हो जाएगी। सो गाइज, जो ब्लैक कॉफी होती है ये आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को 50% तक इंक्रीज कर देती है। इसी के साथ साथ आपके पेट के आसपास जो चर्बी जमा हो जाती है ना, उसको रिड्यूस करने में, उसको काटने में ये काफी अच्छी हेल्प करने वाली है आपकी। इसी के साथ गाइज, ब्लैक कॉफी जो है आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करती है। हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करने की वजह से आप स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर रहते हैं और अपना अमेजिंग वेट लॉस कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेकंड इंग्रेडिएंट की तरफ। आज का जो दूसरा इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है ओट्स। आपको यहाँ पर एक बोल में रोल्ड ओट्स दिखाई दे रहे हैं। आप चाहे तो प्लेन ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, क्या आप जानते हैं कि ओट्स का साइंटिफिक नेम क्या है? ओट्स का साइंटिफिक नेम है एवेना स्टीवा। ये एक प्रकार की, जिसको हम बोल सकते हैं जई, यानी कि एक प्रकार का साबुत अनाज होता है। गाइज, ये आपको मार्केट में कई फ्लेवर्स में ओट्स मिल जाएगा। बहुत सारे आप देखते हैं कि सफोला के ओट्स आ रहे हैं, डॉक्टर ओटकर के आ रहे हैं, आपको अलग अलग फ्लेवर्स में मिलते हैं। लेकिन गाइज, याद रखिए जो नेचुरल ओट्स होते हैं उसी में ही पूरे मिनरल्स और पूरे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसलिए मैं अपनी हर रेसिपी में आपको बिना मसाले के, यानी कि बिना फ्लेवर के जो ओट्स होते हैं उन्हीं को इस्तेमाल करने के लिए बोलती हूँ। फाइबर का काफी अच्छा सोर्स होने के साथ साथ गाइज, ये काफी अच्छी मात्रा में इसमें प्रोटीन और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर पाया जाने वाला बीटा ग्लूकोन आपके हंगर पैंग्स को स्टॉप करता है और आप बहुत ही अमेजिंग अपना वेट लॉस कर पाते हैं। अगला इंग्रेडिएंट गाइज जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स आपकी बोन्स को स्ट्रोंग रखने के साथ साथ आपके डाइजेशन को काफी हद तक इम्प्रूव कर देता है, जिसकी वजह से आप अमेजिंग वेट लॉस कर पाते हैं। गाइज, क्या आपको पता है कि आपकी स्किन और आपकी हेयर की चमक बढ़ाने के लिए चिया सीड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए गाइज, जो लोग हैं इसको आजकल ज्यादा कंज्यूम करते हैं ताकि उनकी स्किन ग्लोइंग रहे, उनके बाल बहुत अच्छे रहे और इसी के साथ साथ प्रोटीन का काफी अच्छा सोर्स होने की वजह से ये आपको अमेजिंग वेट लॉस भी देता है। अब बात करते हैं हमारे 4th इंग्रेडिएंट्स की, जो कि है ब्राउन शुगर। गाइज, ब्राउन शुगर जो है लो कैलोरी होने की वजह से ये आपको वेट लॉस में काफी अच्छी हेल्प करती है। क्या आप जानते हैं जिन लोगों का डाइजेशन खराब रहता है, यानी कि अगर आपको अपच की समस्या रहती है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, तो आपको अपनी जो डाइट है उसमें ब्राउन शुगर जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। व्हाइट शुगर के मुकाबले अगर आप ब्राउन शुगर कंज्यूम करते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में तो ये जो है आपको अमेजिंग वेट लॉस देती है। और एक अमेजिंग फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी गाइज, पीरियड्स के दौरान होने वाले क्रैम्स में रिलीफ दिलाने में भी ब्राउन शुगर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पीरियड्स के दौरान अक्सर देखा होगा आपने लड़कियां और जो लेडीज होती हैं उनको मीठा खाने की बहुत क्रेविंग्स होती है। तो गाइज, ये जो रेसिपी है ना उन लोगों के लिए मैं स्पेशल पोस्ट कर रही हूँ जो कि पीरियड्स के दौरान मीठा खाना पसंद करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा वेट भी ना गेन हो। तो यानी इस रेसिपी को आप पीरियड्स के दौरान भी खा सकते हैं। ये थे हमारे 4 मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंग्रेडिएंट जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं गाइज वो है मिल्क।
दूध के फायदों के बारे में आप सब लोग जानते हो कि ये हमें स्ट्रेस से दूर रखता है। हम जब रात को बहुत ज्यादा थके होते हैं तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा कि वो दूध पीकर सोते हैं, और बोला जाता है कि दूध पीने से जो है अच्छी नींद आती है। तो इस रेसिपी में जो कि हम डिनर में लेने वाले हैं, इसमें मैं जो लास्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है मिल्क। तो गाइज ये थे हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स। अब इस रेसिपी को कैसे बनाना है, चलिए फटाफट से चलते हैं मेरी किचन में, जहां मैं आपको सिखाऊंगी कि इस अमेजिंग और यूनिक रेसिपी को, जिसको खाने के बाद आप मुझे 500% में गारंटी देती हूँ कि आप मुझे थैंक यू बोलने वाले हैं, इसको कैसे बनाना है इसे सीखने के लिए चलते हैं फटाफट से मेरी किचन में। यहाँ पर मैंने खाली कप ले लिया है गाइस, जिसके अंदर मैं दो कॉफ़ी के जो पाउचेस है वो यहाँ पर डाल रही हूँ। जैसे हम ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं ना एक्सरसाइज करने से पहले, ताकि हमें बहुत अच्छे से एनर्जी मिले, बस वही आपको करना है। इसके अंदर आपको डाल देना है गर्म पानी, और ये ब्लैक कॉफ़ी हमारी हो गई है रेडी। इसको हम रख देते हैं साइड पर। अब मैंने दो कांच के गिलास ले लिए, ध्यान रखिए इस रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ कांच के गिलास का ही इस्तेमाल करना है। और ये है मेरे पास रोल्ड ओट्स, मैंने पहले ही बता दिया अगर आपके पास रोल्ड ओट्स नहीं है तो आप क्या करेंगे, प्लेन ओट्स लेंगे। तो यहाँ पर एक कटोरी मैंने रोल्ड ओट्स लिए हैं, जिसको कि मैं आधा आधा दो ग्लासेस के अंदर शिफ्ट कर दूंगी। और अगर आप प्लेन ओट्स ले रहे हैं तो भी इतनी ही क्वांटिटी में आपको लेना है, और इसके खाने के बाद आपको बिल्कुल भूख नहीं लगने वाली है, क्योंकि ये रेसिपी बहुत अमेजिंग बनने वाली है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर के फ़ायदों के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है गाइस इस रेसिपी को, ध्यान रखिए। और ये नहीं है कि आप इसको रोज़ ही खा लें, शुगर भी एक लिमिट में अगर इनटेक की जाए तो हमारे लिए अच्छी होती है, चाहे वो ब्राउन है या वाइट है। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ चिया सीड्स का। चिया सीड्स वेट लॉस में बहुत ही अमेजिंग रोल प्ले करते हैं। दो चम्मच चिया सीड्स मैं एक ग्लास के अंदर डाल रही हूँ, तो टोटल मैंने 4 चम्मच चिया सीड्स का यहाँ पर यूज़ किया है। अब जो हमने कॉफ़ी रेडी की थी ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, यानी कि ये ल्यूक वार्म है, और हम इसको हाफ हाफ दोनों ग्लासेस में ऐड कर देंगे। गाइस बिलीव मी, इतनी अमेजिंग बनेगी ना कि जब आप खाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको रोज़ ही खाऊं। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ दूध। इसकी मैंने मलाई निकाल ली है, ये विदाउट मलाई जो है बिना फैट वाला दूध है। तो ये मैं एक छोटा ग्लास इस्तेमाल करने वाली हूँ, और मैं आधा आधा जो दूध है दोनों ग्लासेस में मैं ऐड कर दूँगी। आप देखिए गाइस इसका कलर जो है कितना अमेजिंग हो गया है, कॉफ़ी और जो दूध है ये मिक्स हो चुका है, और बिल्कुल आपको चॉकलेटी फ्लेवर आने वाला है इस रेसिपी को खाने के बाद। आप देखिए कितना अमेजिंग आपको दिखाई दे रही है, अभी तो ये रेडी भी नहीं हुई है। इसको एक बार क्या करते हैं, अच्छे से कर लेते हैं हम मिक्स, ताकि जो शुगर है वो दूध के अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए, चिया सीड्स अच्छे से जो है इसके अंदर भीग जाएँ और अच्छे से फूल जाएँ। तो ये हमने इसको रेडी कर लिया, और अभी इसको क्या करेंगे, 3 से 4 घंटे के लिए आपको फ्रिज में रखना है। मैं 2 या 3 घंटे के लिए रखती हूँ, अगर आपको लगे तो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। तो ये हमारी रेसिपी रेडी हो गई है, देखिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ब्लूबेरीज़ का। आप कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है वो इस्तेमाल कीजिए, मुझे इसमें ब्लूबेरीज़ ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने हर तरह के ड्राई फ्रूट के साथ ये रेसिपी ट्राई की हुई है। सबसे ज़्यादा अमेजिंग मुझे ये इसी के साथ लगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बेरीज़ के साथ ही सर्व करके दिखा रही हूँ। तो ये हमारी जो रेसिपी है हो गई है रेडी खाने के लिए। आप जो मर्जी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किशमिश भी डाल सकते हैं। और गाइज मैं अभी आपको इसको दिखाने वाली हूँ, ये देखिए चिया सीड्स अच्छे से फूल गए हैं, कितनी ज़्यादा अमेजिंग है गाइज। खाने में इतनी टेस्टी है कि आपको लगेगा इससे बेस्ट मीठा कुछ नहीं हो सकता, अगर मीठा खाने की क्रेविंग हमें वेट लॉस के दौरान हो रही है, और ये बहुत ही टेस्टी रहेगी खाने में गाइज। सो आई होप गाइज आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है, आप चाहें तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइजेस के वीडियोस पोस्ट करती हूँ, और मेरे क्लाइंट्स स्पेशली मेरे फॉलोअर्स के जो वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो भी मैं पोस्ट करती हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने रिश्तेदारों और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उसके साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से मेरी आपने जो मुझे इतना प्यार दिया है यूट्यूब पे, मेरी रेसिपीज को इतना पसंद किया है, और इतना अमेजिंग आप जो वेट लॉस कर रहे हैं उसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज्यादा से ज्यादा अच्छी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप अपना अमेजिंग वेट लॉस कर पाए। सो गाइज मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अमेजिंग वेट लॉस रेसिपी के साथ, जिसे खाकर आप अपना अमेजिंग वेट लॉस कर पाएंगे। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी।